तो फिर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जानकारी लीजिए आप, जानकारी आपके पास रहेगा तो कौनों का हिम्मत नहीं होगा आपको निकालने के लिए। तो फिर बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे, मैं हूँ गोविंद और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भैया पहले हम कंपनी में जाते हैं तो किसका कितना रिस्पेक्ट करना पड़ता है, क्या चीज़ का डर रहता है अंदर, किस चीज़ से हमको बचना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेशर लड़कों का। फ्रेशर लड़कों का क्या है कि जैसे हम मान लीजिए फ्रेशर हैं और कंपनी में जा रहे हैं, तो कंपनी में हमारे जाने पे जानते हैं क्या डर रहता है, डर ये रहता है कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, ठीक है, कोई मेरा कोई कंप्लेन ना कर दे जीएम से या मैनेजर से, ठीक है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर रहता है हम मतलब जब फ्रेशर रहते हैं और कंपनी में जाते हैं स्टार्टिंग में, तो ठीक है। तो देखिए क्या है कि कंपनी हमें क्यों हायर करती है भैया, क्यों हायर करती है, हमारी ज़रूरत है कंपनी को, ठीक है, और स्टार्टिंग में जब फ्रेशर हैं तो जितना कंपनी को ज़रूरत है ना उससे कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हमें डर लगता है कि कहीं हमको कल निकाल ना दे, हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो भैया ऐसा नहीं होता है, किसी भी कंपनी में आप जाइए अगर फ्रेशर लड़का रख रही है कंपनी, तो इतना समझिए कि वो कंपनी अगर आपका कुछ गलती नहीं निकल रहा है तो वो कंपनी आपको नहीं निकाल सकती है। आप बस अपने काम पे कॉन्स्टेंट रखिए, सभी किसी के बहकाव में मत आइए। जैसे बहुत लोग आपको मिलेंगे ऐसा कि भैया हम कंपनी छोड़ने वाले हैं, कंपनी सही नहीं है, बहुत ऐसे आपका सीनियर मिल जाएंगे उसमें, ठीक है, जो आपको आपके सामने खाते रहते हैं कि भैया हम कंपनी छोड़ने वाले हैं, कंपनी छोड़ने वाले हैं, और आप उतावला होकर कंपनी छोड़ देते हैं और वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर में आप लोग कंपनी में जाइए, काम कीजिए, डर किस चीज़ का, हटाइए डर, कोई डर नहीं है, कोई निकालने वाला नहीं है, बस आप अपने साइड से सही रहिए, आप अपने साइड से सही रहिए, अपने साइड से गलती मत कीजिए। और जब डरेंगे ना कि भैया कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो गलती हो जाता है, ठीक है भैया, काम करने गए हैं, काम करेंगे थोड़ा बहुत गलती होगा भैया, होगा तो उतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। काम सीखने के पर्पज से रखिए अपना माइंड, और उसके बाद से आप बिल्कुल भी डरिए मत, कोई कुछ नहीं करने वाला है। मैं आज तक यही देखा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है ना, वो उसको लोग उतना ही हल्का में ले लेते हैं, और जो थोड़ा सा टाइट रहता है लेकिन काम पे ध्यान देता है, ठीक है, काम पे ध्यान देता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस का बात बता रहा हूँ, काम पे ध्यान रहे, ठीक है, और टाइट भी रहिए थोड़ा सा ना, कोई कुछ करने वाला नहीं है आपको, ठीक है, सब लोग आपका रिस्पेक्ट करेगा, मैनेजर हो या जीएम हो या कोई भी हो, वो लोग भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, बस आप जो काम सीखने के लिए वहाँ पे हैं वो काम को सीखिए, उस काम को कीजिए अच्छे ढंग से कीजिए, उसके बाद से हर आदमी आपका भी रिस्पेक्ट करेगा। जो डर रहता है डर हटाइए भैया, क्या कहाँ किस दुनिया में है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, डर हटाइए और बस अपने साइड से गलती मत कीजिए, कोई कंपनी आपको निकालने वाली नहीं है। और फिर से बात कर लेते हैं कुछ एक्सपीरियंस वाले लोगों का, तो भैया एक्सपीरियंस वाले लोग तो जितना फ्रेशर नहीं डरते हैं उतना एक्सपीरियंस वाले लोग डरते हैं, और कौन से लोग, वह लोग जो जबरदस्ती अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं या फिर से जबरदस्ती का एक्सपीरियंस लिए हैं, ठीक है, ये लोग बहुत डरते हैं भैया, क्योंकि इन लोगों को कंपनी हायर करती है उम्मीद करके कि इनको आने से मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो जा रहे हैं भैया और वहाँ पे जाने के बाद उनको जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं है तो भैया डर लगेगा आपको, ठीक है, हमेशा डर लगेगा आपको, आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जानकारी नहीं है, तो आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी उम्मीद करके बुलाई है आपको, ठीक है, कि आपके आने से हमारा ये काम होगा, और आपके जाने के बाद से आप भी वहीं पर जाकर सीख रहे हैं तो फिर से आपको तो डर लगेगा ही, और आपको निकाल भी सकती है, सिंपल बात है। और जिसके पास जानकारी है तो भैया उस तो चाहे आप उसको कितना पैसा भी दे लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा भी दे के बुलाएंगे तो भी वो डर के नहीं आपसे बात करेगा, उसके पास जानकारी है, जिस उम्मीद से आपको आप बुलाएं उसको उससे कुछ ज़्यादा है एक्सपीरियंस, कई टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, कोई 2 साल में बहुत कुछ सीख लेता है और कोई 7 साल भी जाके नहीं कुछ सीख पाता है, ठीक है, 5 साल में भी कुछ नहीं सीख पाता है, तो आप 2 साल वाले सीखने वाले में बनिए, 2 साल में ही सब क्या चीज़ है भैया, मशीन है बस, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लेजी बना लेते हैं अगर हमें मौका मिल जाता है तो, अगर हमें कोई कुछ ना कहे करने के लिए तो हम कुछ करना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है, हमें बस इस टाइप का मौका मिल जाता है तो, लेकिन हम लोग इस चीज़ का
अच्छा प्रयोग नहीं करते हैं उस टाइम का, जिस टाइम हमें कोई और बोलने वाला नहीं है, तो उस टाइम तो हमें और पूरा खुल के जो नहीं करना चाहिए वो करके हमें सीख लेना चाहिए स्टार्टिंग से, 2 से 3 साल। उसके बाद से तो भैया कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।